प्रवासियों नूं उन्हां दे घर पहुंचाउण लई मोहाली तो हरदोई लई रवाना होई विशेष ट्रेन। 1200 दे करीब प्रवासी रवाना। अपने कोल पहुंचण दी खुशी नाल भरे 1200 दे करीब प्रवासी मोहाली तो हरदोई लई रवाना होई पहली विशेष ट्रेन राही अपने घरां लई रवाना हो गए। इन्हां विच ज्यादातर प्रवासी अपने परिवारां समेत वापस गए हन अते इन्हां विच वख-वख फैक्टरियां विच काम करदे वर्कर, उसारी मजदूर, रेहड़ियां वाले अते होर व्यक्ति शामिल हन। इन्हां प्रवासियों नूं इस विशेष ट्रेन राही रवाना करन लई जिला प्रशासन वल्लों विशेष प्रबंध किए गए सन अते इस संबंधी इस गड्डी विच जाण वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग का काम सवेरे 4 बजे तो शुरू कर दिता गया सी। स्क्रीनिंग करन उपरंत इन्हां नूं विशेष बसा राही रेलवे स्टेशन तक लियांदा गया सी। सवेरे 9 बजे तक गड्डी राही जाण वाले लोग स्टेशन ते पहुंच गए सन, जिस तो बाद इन्हां दी जांच करन उपरंत इन्हां नूं गड्डी विच बिठा दिता गया। जिला मोहाली दे डिप्टी कमिश्नर श्री गिरीश दयालन, जो खुद मौके ते इस संबंधी प्रबंधा दी निगरानी कर रहे सन, ने स्काई हाक टाइम नाल गल करदिया दस्या कि जिला मोहाली विच कुल 60,000 व्यक्तियां ने वापस जाण लई रजिस्ट्रेशन करवाई है अते हुण इह पहली ट्रेन जा रही है। ओना कहा, ये ट्रेन जो है ये बेसिकली हरदोई जा रही है। हमारे पास अराउंड 60,000 के आसपास लोग थे जो रजिस्टर्ड थे। जो डेडिकेटेड ट्रेन है जो पूरे एक ही डिस्ट्रिक्ट की है, सबसे पहले यहाँ चलाई गई है। कोई चार्ज नहीं है, कोई मतलब लोगों को कलेक्शन सेंटर पे कलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ लाया गया है, खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है। बट इसमें जो अच्छी बात है, हमें लगता है अच्छा हुआ है कि जो लोग एक्चुअली डिस्ट्रेस में हैं वही जा रहे हैं। अराउंड 35% का ड्रॉप आउट रेट रहा है। कल जो 1200 लोगों को फ़ोन किया गया था, सिर्फ 900 के आसपास सामने आए हैं। उसके बाद भी जो हमने 300 रिप्लेस किए थे, रिप्लेसमेंट के बाद भी आज 200 शॉर्ट हुए। फिर हमने रिजर्व में रखे थे तो ट्रेन तो पूरी हो जाएगी, पर फिर भी बिकॉज इंडस्ट्री खुल गई है, लॉकडाउन काफ़ी कुछ खुल गया है, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ फैमिलीज ज़्यादा हैं जो जा रही हैं, काफ़ी लोग रुक रहे हैं और वो अच्छी बात है। गड्डी विच सवार होने लई रेलवे स्टेशन पहुंचे व्यक्तियों की भी जांच कीती गई अते इस मौके मोहाली दे SDM श्री जगदीप सहगल खुद इन्हां प्रवासियों की जांच करन दे नाल नाल उन्हां दा हौसला वधाउंदे भी नजर आए। इस मौके पुलिस वालों लोड़ींदे सुरक्षा प्रबंध किए गए सन अते समाजिक दूरी का खास ध्यान रखा जा रहा सी। इस मौके गड्डी विच जाण वालियां सवारियां नूं प्रशासन वल्लों खाने दे पैकेट अते पानी दी बोतलां भी दित्तियां गईयां अते इन्हां दे जाण दा पूरा खर्चा पंजाब सरकार वल्लों चुक्या गया है। इस मौके रेल गड्डी राही जा रहे वख-वख लोकां ने दस्या, दो महीने से मैंने बैठा है कमरे पे, फैक्ट्री 2-3 दिन के लिए चली है, इसका कोई भरोसा नहीं कि चलेगी, इसीलिए हम लोग कोशिश किया, खाने पीने का कुछ नहीं था, मैंने कहा इसी से चलते हैं, रोड लाइन करवाया, इसीलिए हम लोग ये गाड़ी मिली, बहुत अच्छा किया, जिन्होंने चलाया वो भी बहुत धन्यवाद इसका, बहुत अच्छा किया। क्या इसके लिए आपको कोई टिकट वगैरह लेने की जरूरत पड़ी? टिकट मेरा मिल गया है सर। नहीं मतलब कोई पैसे लगे आपके? पैसे मेरे कोई नहीं लगे हैं सर जी, बहुत अच्छा है, बहुत सुरक्षित से हूँ। खाना वगैरह मिला? खाना वाना सब कुछ सुरक्षित है, बच्चे भी ठीक है, इतना बहुत ठीक अच्छा से किया है। आज मैं अपने गांव जा रहा हूं, सरकार ने अच्छे के लिए ये ट्रेन भेजी, हम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपने गांव जा रहे हैं हरदोई। मैं जो है जुजान नगर में रहता हूं पंजाब में, और उसके बाद मेरा काम जब से लॉकडाउन लगा है जब से काम बंद हो गया है, और जब मजबूरी मुझे गांव जाना पड़ रहा है, और ये पंजाब सरकार ने जो ट्रेन चलाई है हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर जी। अभी तो जैसे यहाँ से अब लॉकडाउन अब खुल रहा है यहाँ पे, हाँ जी, सारे फैक्ट्रियाँ वगैरह खुल रही जी सर, तो क्या आपको कोई काम नहीं मिला? काम तो सर जी अभी नहीं था मेरे पास, तो वहाँ पे काम था भी नहीं, इसीलिए मैं घर पे जा रहा था, पिताजी की तबीयत खराब है, इसीलिए ज्यादातर खास रहे तो मुझे बोला कि सब मुझे जल्दी से भिजवाया जाए। तो आप अब जा रहे हो तो कुछ बोलना चाहोगे अपने? यही कि सर जी सरकार ने जो भी फैसला किया अच्छा किया है। इस विशेष गड्डी राही वापस अपने घरां नूं रवाना होण वाले इन्हां प्रवासियों के चेहरे खुशी नाल भरे हुए सन।
ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਦੋਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਸਵਿੱਚ ਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸਕਾਈ ਹੈਕ ਟਾਈਮਸ ਲਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।